भारत में कोरोना एक्टिव केस घटकर करीब 3 लाख हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटे में 31,382 नए कोरोना के केस आए हैं और 318 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 24 घंटे में 32,542 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 1,478 एक्टिव केस कम हो गए हैं। भारत में कोरोना के पिछले 7 दिनों का आंकड़ा 17 सितंबर 35,662, 18 सितंबर 30,773, 19 सितंबर 30,256, 20 सितंबर 26,115, 21 सितंبر 26,964, 22 सितंبر 31,923, 23 सितंبر 31,382। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते दिन 72.20 लाख टीके लगाए गए हैं। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक करीब 56 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 15 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट 97.77% है। एक्टिव केस 0.90% है। वहीं बात करें नए स्ट्रेन की ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, ब्राजील वेरिएंट के मामलों की, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले शुक्रवार को 15 नए मामले, शनिवार को 20 नए मामले, रविवार को 25 नए मामले, सोमवार को 31 नए मामले, मंगलवार को 53 नए मामले, बुधवार को 50 नए मामले, गुरुवार को 57 नए मामले और आज शुक्रवार को 20 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 82,665 से 82,685 हो गई है। नए स्ट्रेन के कुल मामलों में रिकवरी लगभग 70% के करीब है और लगातार नए स्ट्रेन के मामलों में भारी कमी देखी जा रही है, जो कि राहत की बात है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।